YouTube channel, this is me Melo and you're watching Melo's Kitchen. आज मेरे किचन में बनने वाले हैं जबरदस्त से भटूरे जिन्हें आप छोलों के साथ enjoy कर सकते हैं. छोलों की रेसिपी भी मैं जल्द अपने चैनल पे अपलोड करूंगी, तो आपने दोनों रेसिपीज को ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. तो चले अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं. इंस्टेंट भटूरे बनाने के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत है, 1 कप मैदा, 5 टेबलस्पून सूजी, 2 टेबलस्पून दही, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 कप नीम गर्म पानी. तो सबसे पहले हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक नरम आटा गूंदेंगे. सब चीज़ों को मिला के हम एक नरम आटा गूंदेंगे और उसे हम 1 घंटे के लिए रख देंगे और 1 घंटे के बाद हम अपने भटूरे बनाना शुरू करेंगे. आटा मैंने गूंद लिया है, इसे अब हमने ऑयल लगा के क्लिंग करके 1 घंटे के लिए रखना है. ये देखिए पेड़े हमने तैयार कर दिए, पेड़ों को मैंने ऑयल लगा दिया और इसे 10 मिनट के लिए रखेंगे, उसके बाद हम अपने भटूरे बनाएंगे. चलिए भटूरे बनाना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम भटूरे पे ऑयल लगाते हैं, फिर बेलन को भी हम ऑयल लगा देंगे. भटूरे को हमने बेल लिया है, अब इसे हम गरम गरम ऑयल में डालेंगे. जी अब भटूरों को हम फ्राई करते हैं. भटूरों को डालेंगे, थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करेंगे और फिर इसके बाद इसके ऊपर आप ऑयल आप डालेंगे. ये देखिए आपका भटूरा कितना अच्छा फूल गया. इसी तरह से हम बाकी के सारे भटूरे बना लेंगे. ये देखिए कितना प्यारा भटूरा बना है, फ्लफी और कितना फूला हुआ है. तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में. आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ. बाय बाय.